डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सियासत लगातार गर्माने लगी है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक रेणु चड्ढा की तथा कथित एक ऑडियो वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक पंडित कई तरह के कयास लगाते हुए नजर आए। लेकिन इन सभी बातों को विराम देते हुए भाजपा की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने अपने निवास स्थान डलहौजी में पत्रकार वार्ता के दौरान इस ऑडियो को झूठा करार दिया। रेणु चड्ढा ने कहा कि आजकल कटपेस्ट का जमाना है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि मैं इस मामले में मानहानि का दावा करूंगी। उन्होंने कहा कि डलहौजी भाजपा को कुछ लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, जिसके चलते मुझे बतौर पूर्व विधायक होते हुए हराश करने का प्रयास होता रहा है। मैं हमेशा चुप बैठी थी। उन्होंने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद से कुछ तथा कथित भाजपा के प्राइवेट लिमिटेड के लोगों ने मुझे मंच तक नहीं दिया और एक बार तो मुझे मंच पर आने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सुनने की बात है, इस तरह का बेहुदा अपमान हमेशा कुछ लोग यहां करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रूप में नेतृत्व मिला है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, हमारे यशस्वी मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, ये एक ऐसी आला तिकड़ी है जो मेरी समझ में किसी भी कंट्री में आपको एक बराबर नहीं मिलेगी। इनके इनकी बराबरी है ही नहीं, दे आर पार एक्सीलेंस। और मैं ये बता रही हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का कितना मिसयूज़ हो रहा है। यूज़फुल तो टेक्नोलॉजी ज़रूर रहती है, लेकिन इस केस में आप रियलाइज़ करते हैं कि बहुत ही नुकसान हुआ है। जो चीज़ रही नहीं, कट पेस्ट का ज़माना है, किसकी शक्ल, किसकी आवाज़ कहाँ लग गई, कुछ पता नहीं है। और अफसोस ये है कि जो लोकल लीडरशिप है, मैं लोकल की बात कर रही हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बाकी किसी की नहीं, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कुछ ऐसा इस वक्त होड़ लगी हुई है कि किसी तरीके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए भारतीय जनता पार्टी डलहौजी की। एक बहुत दुखद घटना और भी है कि जिस वक्त 2017 में इलेक्शंस हो गए, सरकार अपनी बन गई, तो हर वक्त ये एक कोशिश रहती थी कि मान सम्मान तो बहुत दूर, किसी तरीके मुझे ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया जाए ओनली बाय द लोकल लीडरशिप, बाकी कोई नहीं, पूरे ज़िले में भी कोई नहीं, सिर्फ लोकल लीडरशिप डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। सो अफसोस के साथ साथ एक इंसान की स्पिरिट ये कहती है कि रिएक्ट करना चाहिए। हर वक्त कोई ऐसा ना सोचे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बना ही ली है, यहाँ पे जो पार्टी बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी थोड़ी कमज़ोर थी, हमेशा कमज़ोर रही है, ऐसी बात नहीं है। और एक एक कार्यकर्ता ने यहाँ पार्टी को संजोया है। 22-23 साल हो गए, गांव में रहना, पंचायतों में रहना, हर एक को समझाना, यहाँ पे बहुत कम स्ट्रेंथ होती थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर एफर्ट ये हो कि एक दूसरे को कट करना, और वो भी सीनियर्स को, आज आप देखिए सब सीनियर्स आपको बहुत कम मिलते होंगे डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो अफसोस यहाँ पे है कि मुझे केवल डिफेम करने की बहुत लो लेवल की थिंकिंग है, और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ऑडियो को वायरल करने से किसी का क्या फायदा रहेगा। मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं रहने वाला किसी को भी। और यहाँ पे तो ये हाल है कि कार्यकर्ता दरियाँ उठाते, कुर्सियाँ लगाते, अपने घर से फुलके लाते, हर चीज़ की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान के लिए, लेकिन जब बारी आती है उनकी, कोई नहीं पहचानता उनको। और मेरा तो बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अगर 11-12 साल से मैंने बात ही नहीं की इस व्यक्ति से, इस शख्स से बात ही नहीं की, तो अब क्या टाइमिंग है बात करने का, वोट डल चुके। अगर मैं करती
प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे तो वोटिंग के पहले करनी चाहिए थी कि मेरी ये गता इन्होंने बना के रखी 5 साल, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, रिएक्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया। वोटिंग हो गई, अब काउंटिंग रह गई, तो बीच में मैं क्यों करूंगी बात, ये भी तो बताइए। लुक एट द टाइमिंग, किसी वक्त में, हमारे वक्तों में ऐसा होता था कि जब वोट पड़ गए तो इलेक्शन इज ओवर, देन ओनली काउंटिंग इज लेफ्ट। पर इस बार तो ना खत्म होने वाली कहानी बन रही। जब बात मान सम्मान की हो रही है तो मैं आपको 2018 की बात बताती हूँ। 30 मई को सीएम आए थे सलूनी, वहाँ मुझे स्टेज पे नहीं जाने दिया गया था और उनकी सिक्योरिटी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे बिठाया था। सो हाल तो इस वक्त ये है और मैं अपने लॉयर्स के साथ कंसल्टेशन में हूँ और मैं मानहानि का दावा अवश्य ही करूँ।